आज का ये कार्यक्रम सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ यूथ फॉर सोशल जस्टिस मिस्टर सुरेंद्र कुमार जो प्रोफेसर की लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी समस्त टीम। थैंक यू अंजलि आपने दिया इस बात को कहने के लिए और शायद बहुत कुछ आपने बोला। अभी मैं लर्निंग प्रोसेस के प्रोसेस में हूँ तो एक अध्यापक होने के नाते कुछ चीज़ों को जाना कुछ चीज़ों को समझा कुछ पढ़ा और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो किसी भी स्टेज पे ये कहना कि हम अपने आप में महारत हासिल कर लिया है मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा कहना होगा अपने बारे में। हम सब लोगों को एक बात समझ आ रही है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। किताबों में जो लिखा है उसको किस तरीके से पढ़ाया गया हमने क्या पढ़ा क्या सीखा और उसको जो सीखा है अभी बात हो रही थी कश्यप सर ने बोला कि लर्निंग एक प्रोसेस है तो डी लर्निंग भी एक प्रोसेस है। और मैं समाज कार्य विभाग में कार्यरत हूँ पिछले 10 साल से मैं वहाँ कार्य कर रही हूँ उसके पहले 15 साल में समाज से जुड़ी हुई थी रिसर्चर के तौर पे एडवोकेसी में अलग अलग तरीके से समाज के साथ जुड़े हुई थी क्योंकि समाज शायद मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा ही है कि समाज से जुड़े बगैर कुछ पढ़ना पढ़ाना काबिल नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी बात में शुरू मेरा जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ का सब्जेक्ट है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगा हम सब हेल्थ के बारे में बात करते हैं और इसमें दलितों की भागीदारी क्या होगी या एस सी एस टी कम्युनिटी के बारे में कौन सोचेगा या क्या अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ सोचा। जितना मैंने पढ़ा जो सबसे पहला आंकड़ा है सरकार का लोग कहते हैं कि हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मैं अपनी बात हमेशा आंकड़ों के आधार पर रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आंकड़े सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं और वो अगर अपनी ही बात को झुठलाना चाहते हैं तो ये उनको अगर ऐसा मंजूर है तो ऐसा ही सही पर आंकड़े जो है उसी के आधार पर बात करेंगे। NFHS को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा सर्वे हमारे देश का हुआ हाल ही में हुआ उसका जो डेटा आता है उस डेटा के आधार पर जब हम देखते हैं कि SC ST कम्युनिटी का जो अनुपात है इसके सारे पैरामीटर्स में वो पैरामीटर्स हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की लेकिन स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करने का जो जरिया है जैसे कि अस्पताल हुए डॉक्टर्स हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सरकारी स्कीम चलती हैं उनमें हमारे लोगों की भागीदारी कितनी है और वो सुविधाएं हमारे लोगों को कितना मिलता है। आज आप जाके एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा NFHS 4 को आप गूगल में सर्च कीजिए और डालकर आप SC ST कम्युनिटी के हालात को देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमारे लोगों की मांग कहाँ होती है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है। वो आंकड़ा साफ साफ दर्शाता है इन कंपैरिजन टू OBC और जनरल कास्ट SC ST पॉपुलेशंस आर जितनी भी हमारी जातियां हैं SC ST पॉपुलेशन जितनी भी है हमारी इस देश की वो बहुत नीचे है चाहे वो दवाई मिलने की बात हो चाहे डॉक्टर्स की विजिट की बात हो चाहे वो किसी महिला के डिलीवरी की बात हो जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात की है। कुपोषण में ज्यादातर दलित बच्चे मारे जाते हैं कुपोषण की वजह से और भारत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है जब कहता है कि हमारे यहाँ ICDS की जो स्कीम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक स्कीम है जो 70 के दशक से चली आ रही है। ऐसी क्या वजह है कि इतने सालों से एक स्कीम चलती है और उसमें भी कुपोषण की जो स्कीम बनी है जहां आंगनवाड़ी के जरिए बच्चों को अच्छा खाना और अच्छी डाइट मिलना और एक प्राइमरी जो एजुकेशन होनी चाहिए जो देखभाल मिलनी चाहिए 6 साल तक के बच्चों के लिए वो वहां पे मुहैया कराने का फैसला सरकार ने किया इस स्कीम के तहत। लेकिन इतने साल से जो स्कीम चलती है उसमें सबसे ज्यादा कुपोषण में अगर बच्चे मारे जाते हैं तो वो दलित जातियों के मारे जाते हैं वो दलित कम्युनिटी के मारे जाते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है ये हम नहीं कह रहे हैं कि अंदर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐसा हो रहा है ये सरकार के आंकड़े मैं बता रही हूँ आपको। दूसरी बात और सिर्फ मामला ये हेल्थ का ही नहीं है अभी हाल ही में इतना हमारे समाज में जो भी बातें आई दो महत्वपूर्ण बातें आई एक आरक्षण को लेकर बात है कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि इसका जो
प्रतिशत यहाँ पे कोई एक सरकार नहीं रही है। हम सारे सरकार से सवाल पूछेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया जाता है कि उसकी सरकार ने ये नहीं किया, मेरे सरकार ने ये किया, या जब हम आएंगे हम ये काम करेंगे। हमें हर सरकार के समय में ये सवाल पूछना है। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, क्या वजह है कि एट्रोसिटीज अभी भी खत्म नहीं हुई है? और एट्रोसिटीज जब हम बात कर रहे हैं वो जातिगत हिंसा है, वो क्राइम है, और क्राइम के लिए सजा जो मुहैया कराया गया है आईपीसी में मुहैया कराया गया है, साथ में एट्रोसिटी स्पेशल एक्ट बना है, क्योंकि समस्या भी खास तरीके की है। अगर समस्या कॉमन होती हमें कोई ऐतराज नहीं था एक कॉमन लॉ होने के लिए अपने देश में, हम कहीं डिमांड नहीं करते, लेकिन जाति एक खास समस्या है और उसका निवारण भी खास ही होगा। जैसे कहा जाता है कि बीमारी है, खास बीमारी होगी तो उसका इलाज भी खास होना चाहिए, इसी तरीके से सामाजिक बीमारी का इलाज भी खास तरीके से होगा। और इसको डाइल्यूट करने की कोशिश अगर की गई तो हम सबको आगे आके बात करनी पड़ेगी, घर से निकलकर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम महिला हो, बच्चे हो, या हर तरीके से हमें ये बात हर किसी के सामने रखनी पड़ेगी। 2005 में अमृता सेन की एक स्टडी आई थी जस्टिस के ऊपर, और जब उन्होंने उसमें आकलन किया कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से जस्टिस होना चाहिए कि सबको मंदिरों में घुसा दो, ये मेरी एक परिभाषा हो सकती है, कोई आके कहेंगे जस्टिस ऐसा होना चाहिए, पढ़े लिखे आधार पर जस्टिस कैसा हो। जब हम संसाधन की बात करते हैं उन्होंने 5 और 6 कैटेगरीज बताई जिसके माध्यम से हम जस्टिस को डिफाइन करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का एक आधार होना चाहिए किसी भी फैसले को लेकर। किसी भी जाति की प्रोग्रेस आप कैसे मुहैया करें, कैसे आप आकलन करेंगे कि वो जाति या वो कम्युनिटी आपके विकास में आपकी भागीदारी के साथ में आगे बढ़ रही है। कहा जाता है रिजर्वेशन इसलिए खत्म कर दो क्योंकि ये लोग डेवलप हो गए या फिर इनको भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यही वजह है कि आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। 2005 में 2000 के आसपास अमृता सेन ने ये बात कही, उसमें 5 उन्होंने कॉम्पोनेंट रखे। सबसे पहला था लाइवलीहुड, जिससे कि किसी भी परिवार का भरण पोषण होगा, लाइवलीहुड उसके पास क्या जरिया है अपना कमाने के लिए, वो एक पहला आधार था। एजुकेशन दूसरा आधार उन्होंने बताया, हाउसिंग तीसरा आधार उन्होंने बताया, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने बताया, और हेल्थ उन्होंने बताया। ये आधार उन्होंने बताया जिसके आधार पे किसी भी जाति किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस का आकलन होगा। हम सरकार कोई भी सरकार हम एक ही डिमांड करते हैं कि ये 5 आधार आप निकालिए और इसमें आकलन कीजिए। अगर हमारी जाति बाकी इन सारे 5 आधार पे प्रोग्रेस कर चुकी है तो रिजर्वेशन कल की बजाय आज खत्म कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन, कोई ठीक नहीं है, ये हमारा अधिकार है, स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है, सम्मानित रहना हमारा अधिकार है, पढ़ाई लिखाई हमारा अधिकार है। आप चाहते हैं कि इस देश का एक एक बच्चा अगर स्कूल में जाए तो वो स्कूल में जाने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है बहुत खूबसूरत तरीके से की है, एक तरफ वो फंडामेंटल राइट बताते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है, तीसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होना चाहिए, कौन प्रोटेक्ट करेगा उन फंडामेंटल राइट को, धर्म करेगा, कोई एक कम्युनिटी करेगी, कोई एक ग्रुप करेगा, या हमारा स्टेट करेगा, हमारे राज्य करेंगे। ये सारे राज्यों के सब्जेक्ट्स हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। एक राज्य की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, हेल्थ सबको मिलना चाहिए, लॉ के तहत न्याय सबको मिलना चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और हम स्टेट से ही काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी ग्रुप से हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें कोई आगे ज्ञान ना दे, हम सिर्फ अपने राज्य से डिमांड कर रहे हैं। राज्य के नागरिक होने के नाते ये डिमांड हम अपनी सरकारों से करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। दूसरी बात, इसी बात में 2005 में बुबलीगंज माजा इन्होंने दो बात कही थी, इन्होंने जो आर्गुमेंट रखा उन्होंने कहा किसी भी जाति की प्रोग्रेस का आधार एक और होना चाहिए, वो है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भागीदारी। अगर हमारी भागीदारी नहीं है, हमारे लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अगर उसमें हमारी भागीदारी नहीं है तो वो निर्णय हमें मंजूर नहीं होगा, जब तक हम अपनी बात को अपने तरीके से नहीं रखेंगे। 2005 की इस स्टडी में ये बताया गया कि अगर वो आधार किसी भी स्कीम किसी भी प्रोग्राम में या सरकार के किसी भी निर्णय में नहीं,
प्रोग्रेसिव समाज नहीं कहलाया जा सकता। तीसरी बात जो मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ, हमारे पास में बहुत लर्न आज गेस्ट आए हैं और बहुत समय मैं नहीं लूंगी। एक बात आई है SC ST एट्रोसिटी एक्ट में, सीधा सीधा कहा गया कि जो एट्रोसिटी है या जो जाति है वहां पे डिग्निटी की बात है। आज कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। क्यों ये खास लेजिस्लेशन आया था,